कक्षा सात के बच्चों को नमस्कार। आज विषय हिंदी के दूसरे प्रकरण में हमें काव्य की रचना की गई है। इस काव्य में कवि ने हमारे जीवन का जो आधार है, जो प्रभु है, जो ईश्वर है, परवरदिगार है, परमात्मा है, अल्लाह है, उसी के बारे में इस काव्य के हमें बताया गया है। जिनके आधार पर हमारा जीवन, पूरा जीवन चलता है, जिस तरह पतंग की दौड़ पतंग उड़ाने वाले के हाथ में होती है, उसी तरह हमारे प्राणों की दौड़ इस प्रभु के हाथ में होती है। वह प्रभु के बारे में कक्षा सात में हमें अच्छी तरह से एक कवि की रचना के आधार पर प्रस्तुत की गया है। उस प्रस्तुतिकरण के हमें कवि बता रहे हैं। उस कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी जिन्हें हम कवि के आधार पर जानते हैं, उन्होंने प्रस्तुतिकरण में बहुत ही अच्छे अच्छे काव्य की रचना की गई है। प्रभु के बारे में उन्होंने इस काव्य में हमें प्रभु क्या है, प्रभु किसके आधार पर हम प्रभु किस प्रभु के आधार पर हम जी रहे हैं, उसी के आधार पर कवि कहना चाहते हैं कि हमें कब कब किस कौन कौन सी परिस्थिति में, कौन कौन सी क्रियाओं में, कौन कौन सी परिस्थितियों के आधार पर हमें तुम्हारी याद आती है। कवि ने इस रचना में तब याद तुम्हारी आती है राम नरेश त्रिपाठी जी ने हमें इस अच्छी तरह से इस काव्य में बताया गया है। कवि ने बताया है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर बच्चों पाठन अपनी पाठ्य पुस्तक में पाठ नंबर 4 पर देखो, उसी पाठ्य पुस्तक में पाठ नंबर 4 पर काव्य बताया गया है, तब याद तुम्हारी आती है। कवि ने इस रचना में बताया है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, हमें पता है जब शाम होती है तो सभी बच्चे, इंसान, गोधन, पशु पक्षी, सभी जो पृथ्वी पर जो जीव है वो अपने अपने भीड़ में चले जाते हैं। और जब सुबह होती है, सुबह में जब सूरज की किरणें खिलती है, जब चांद बग जाता है और जब सूरज आता है, तब एक अच्छी तरह से सभी पक्षी जीव अपने कलकल स्वरों में उठकर गाना गाते हैं। इसलिए हमें बताया है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाते, उनका मीठा स्वर होता है उसी पक्षियों का, उसका वो जो स्वर होता है बहुत ही मधुर होता है और हमें सुनने में भी बहुत ही आनंद मिलता है। और दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि कलिया दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्कुराती है, जब शाम होती है तो कलिया मुरझा जाती है, जब शाम होती है, जब सूरज ढल जाता है और तब उसी समय कलिया अपना जो बगुड़िया वो ढलकर एक सिकुड़कर हो जाती है, और उसी कलिया जब सुबह होती है, सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ती है, उन फूलों पर पड़ती है, उन कलियों पर पड़ती है, तो वो कलिया खिलकर बहुत ही उनमें से खुशबू चारों ओर फैला देती है। इसीलिए कहा है कलिया दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्कुराती है, खुशबू की लहरें घर से बाहर दौड़ लगाती है। वह पंखुड़िया बहुत खुशी से खुश खुश होकर वह अपने पन्नों को खोलती है, और जब वो पन्ने खोलती है तो चारों ओर हवा के माध्यम से उनमें रहे जो सुगंध है वह सुगंध चारों ओर फैल जाती है और पूरा प्रकृति का वातावरण बहुत ही खुशनुमा बन जाता है। यही हमें बताता है हे जग के सिर जनहार प्रभु जब याद तुम्हारी। क्या कह रहे हैं कवि? कह रहे सिरजनहार, सिरजनहार शब्द का अर्थ कहते हैं प्रभु, सर्जन करने वाला, सृष्टि का सर्जनहार, इसलिए कहते हैं सिरजनहार प्रभु। भगवान भी कह सकते हैं हम, ईश्वर। हे जग के सृजनहार, जग के सृजनहर्ता, तब तुम्हारी याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है,
है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब पानी की बूंदे, क्या कहना चाहते हैं कवि, जब पानी की बूंदे आकाश में से धरती पर नीचे गिरती है, तब धरती पर वन बागों में जंगलों में चारों ओर हरियाली छा जाती है। हम देखते हैं कि जब बारिश की ऋतु होती है, जब बारिश की मौसम होती है, तब चारों ओर हम नजर करते हैं तो चारों ओर हमें हरियाली दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि चारों ओर कभी भगवान कभी किसी की ओर भेदभाव रखता नहीं है। सभी जगह बारिश होती है, बारिश हमारे लिए बहुत ही आधार है। जब बारिश नहीं होती तो दुष्काल की परिस्थिति का निर्माण होता है। इसीलिए कवि ने बताया कि जब बारिश की बूंदे छम छम करके धरती पर गिरती है, बिजली की छम छम आवाज सुनाई देती है, तब जाके मैदानों में वन बागों में खेतों में पहाड़ों में घाटियों में हरियाली छा जाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती डोक कर आती है, संदर्भ का हमें वर्णन किया है कवि ने, जब ठंडी जब बारिश होती है तो वातावरण गर्मी से छुटकारा पा लेते हैं हम, चारों ओर से ठंडा ठंडा महक का वो मिट्टी की महक के साथ जब भिगा देते हैं मिट्टी, वह भिगी हुई मिट्टी की महक चारों ओर दिशा पर फैल जाती है और ठंडी ठंडी हवा जब हमारे पास आती मस्ती होकर आती है, मस्ती होकर दौड़ती हुई हमारे को स्पर्श कर जाती है, तब हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। सुंदर वर्णन का सृजनहार, यहां फोकस जो उसका लक्ष्य है, उसका देह है कवि का, वह किस पर निर्भर है? सृजनहार भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। कभी कभी जब 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 बारिश की बूंदे गिरती है, बस्ती होकर हवा आती है, कलिया दरवाजे खोलती है, धरती पर खुशबू आती है, चारों ओर अपनी खुशबू फैलाती है, तब जाके हे प्रभु
विश्व खुशबू खुशबू का अर्थ होता है सुगंध और इसका पर्यायवाची शब्द होता है दुर्गंध यानी के बाद बू खुशबू का अर्थ होता है पर्यायवाची दुर्गंध और खुशबू का होता है विलोम शब्द बदबू ढोना ढोना अर्थ के बोझ उठाना ढोना शब्द का अर्थ होता है लवर लवर का तो तरंग जूता हम देखते हैं ना समुद्र में लवरें उठती है लवर यानी के तरंग हरियाली हरियाली शब्द का अर्थ होता है हरा भरा चारों ओर हरियाली चारों ओर होती है तब हरियाली कहते हैं हरा भरा बच्चों आपने कक्षा सात में हमारे पुस्तक टास्क में इस कार्य के बारे में आपको बताया चल गया जा रहा है कि हम नरेश त्रिपाठी जी हमें क्या कहना चाहते हैं प्रभु के बारे में थोड़े से समय में आपको बताना चाहता हूँ कभी हम यह बताना चाहते हैं कि इस कार्य के माध्यम में कभी बताना चाहते हैं कि हमें कब कब प्रभु की याद आती है जब बारिश की बूंदे गिरती है बिजली जब जब कर जाती है चिड़िया आवाज करती है कलिया दरवाजे खुल जाती है जब सुबह होती है चारों ओर अंधेरा दूर होकर प्रकाश धरती पर सूरज की किरणें आती है तब हमें प्रभु की याद आती है काव्य के आधार पर कवि ने सुंदर वर्णन में हमें बताया गया है कि प्रभु हमारे जीवन में बहुत ही एक जिस तरह हमारा जीव